यदि आप कोई ऑनलाइन काम कर रहे हैं, किसी सरकारी योजना का फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं, तो ऐसे में आपको कोई कहीं ना कहीं आपको फिंगरप्रिंट की आवश्यकता पड़ती है। तो आपके पास में यदि मॉर्फो डिवाइस है और इस मॉर्फो डिवाइस को आप अपने मोबाइल फ़ोन के साथ कनेक्ट करना चाहते हैं और यह हो नहीं पा रहा है, तो आज की इस वीडियो में आपको यही जानकारी दूंगा कि आप अपने मॉर्फो डिवाइस को अपने मोबाइल फ़ोन के साथ कैसे अटैच करेंगे और कोई भी काम करने में आपको कोई परेशानी नहीं होगा। इस वीडियो को देखने के बाद में कोई और वीडियो देखने की आवश्यकता आपको नहीं है। तो मेरा नाम है पिंटू कुमार शर्मा और आप सभी देख रहे हैं रेगुलर स्मार्ट यूट्यूब चैनल। इस प्रकार का वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। यदि आपके फोन में यह मॉर्फो डिवाइस यदि नहीं काम कर रहा है, तो मैं आपको जो तरीका बता रहा हूँ, इस तरीके को फॉलो कीजिए, आप अपने मोबाइल फोन में मॉर्फो डिवाइस को कनेक्ट कर पाएंगे। चलिए, इसके लिए आपको क्या करना होगा, अपने मोबाइल फोन में फर्स्ट ऑफ ऑल rdservices.com की साइट को ओपन कर लेना। जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, इसका लिंक मैंने डायरेक्टली डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। यहाँ पर आने के बाद में यहाँ पर कार्ड के बस बगल में यहाँ पर देखेंगे डाउनलोड्स का एक ऑप्शन आ रहा है, जस्ट इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं, तो यहाँ पर आपको तीन ऑप्शन मिलते हैं, जिसमें से आपको फर्स्ट ऑप्शन जो है आपका एंड्रॉइड के लिए। यदि आप एंड्रॉइड यूजर हैं, तो आपको एंड्रॉइड पर क्लिक करना है, और यदि आप अपने विंडोज में इसे सेट करना चाहते हैं, तो विंडोज पर क्लिक करेंगे। लेकिन हम मोबाइल फोन में आपको करके दिखाने वाले हैं, इसके लिए हम एंड्रॉइड पर क्लिक कर देते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे 5.85 MB का आपका फाइल है, जो कि डाउनलोड होना शुरू हो चुका है। उसके बाद में आपको सिंपली बैक आ जाना है, अपनी फाइल्स को ओपन कर लेना है, देन डाउनलोड वाली सेक्शन में आ जाना है, यदि आप क्रोम से कर रहे हैं तो। उसके बाद में आपको दिख रहा होगा सबसे ऊपर एंड्रॉइड RD सर्विस है, इस फाइल पर एक बार क्लिक करना होगा। उसके बाद में यहाँ पर एक्सट्रेट का ऑप्शन आ जाता है, जस्ट इस आपको इस एक्सट्रेट पर क्लिक कर देना है। उसके बाद में यह फाइल जो एक्सट्रेट हो जाएगा, उसके बाद मैं यहाँ पर इसी पर डन कर देता हूँ। इसके बाद में आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर एक फोल्डर आपका बन करके रेडी हो चुका है, एंड्रॉइड RD सर्विसेज वर्जन 1.1.5 के नाम से। यहाँ पर आपको दो PDF फाइल मिलते हैं, जो कि आपको इंस्ट्रक्शंस बोल सकते हैं, एंड एक आपको एप्लीकेशन मिलता है जिसमें आपको क्लिक करना है। जस्ट यहाँ पर देखेंगे .apk लिखा हुआ है, उसके बाद सेटिंग पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर अलाउ करना होगा, जस्ट यहाँ पर अलाउ करते हैं, बैक आते हैं, फिर से हमें इंस्टॉल बटन पर क्लिक करना होगा। उसके बाद एप्लीकेशन आपके मोबाइल फोन में इंस्टॉल हो जाएंगी। जब एप्लीकेशन इंस्टॉल हो चुका है, यहाँ से डन करेंगे, बैक आते हैं, और यहाँ पर होम पेज पर आपको एक एप्लीकेशन मिलेगा मॉर्फो नाम से, जस्ट इस एप्लीकेशन को ऑन कर लेना है। जैसे आप इसमें ऑन करते हैं, तो यहाँ पर अलाउ करने के लिए बोल रहा है, SCL RD सर्विसेज अलाउ कर लीजिए। अब आपका काम आता है मेन इंपॉर्टेंट, कि यहाँ पर जो आपका मॉर्फो डिवाइस है इसका, इसके लिए आपको यहाँ पर एक OTG आपके पास में होना चाहिए, इस OTG को यहाँ पर कनेक्ट कीजिए। जैसे हमने यहाँ पर कनेक्ट कर लिया, और इस पिन को हमें अपने मोबाइल फोन से अटैच करना होगा। उसके बाद में यहाँ पर आप भी देख सकते हैं कि यह ब्लिंक नहीं हुआ, इसके लिए आपको एक सेटिंग करना होगा। उसके लिए क्या करना होगा, सेटिंग करना होता है, सेटिंग वाले ऑप्शन में हम आते हैं। यहाँ पर आने के बाद आपको सिंपली सर्च कर लेना है OTG। OTG सर्च करने के बाद में यहाँ पर एक ऑप्शन मिल जाता है आपको OTG वाली है, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं OTG यहाँ पर ऑफ है, इसे आपको क्या करना होगा, सिंपली ऑन कर देना है। ऑन करने के बाद में यहाँ पर ये दिख रहे हैं, ब्लिंकिंग होना शुरू हो चुका है, और आपके सामने में एक मैसेज भी पॉपअप में ओपन हो चुका है। जस्ट यहाँ पर आपको क्लिक करना है, एंड ओके बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे आप ओके बटन पर क्लिक करते हैं, तो आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है रीस्टोरिंग डिवाइस का, तो यहाँ पर हमें जो है कुछ देर वेट करना होगा। उसके बाद में जैसे रीस्टोरिंग डिवाइस कंप्लीट होता है, उसके बाद हमारा ये मॉर्फो डिवाइस कनेक्ट हो जाएगा मोबाइल फोन से। यहाँ पर देख सकते हैं आप, मैसेज आ चुका है, योर डिवाइस इज रेडी टू यूज। अब हम जो है इस मॉर्फो डिवाइस को, अब कोई भी कार्ड यदि हमें बनवाना है, जैसे ई श्रम कार्ड हो गया, आयुष्मान भारत कार्ड हो गया, कोई भी कार्ड यदि आप ऑनलाइन कर रहे हैं किसी भी काम को, और जो काम आप अपने मोबाइल फोन से कर रहे हैं, जिसमें फिंगरप्रिंट का आपको ऑप्शन आ रहा है, तो उसमें ये चीज आप कर सकते हैं, जो कि मैंने आपको लाइव प्रूफ बता दिया है कि आपको क्या प्रोसेस फॉलो करना है। इसके बाद में आप अपने मोबाइल फोन में ये चीजें कर पाएंगे, और आप अपने मोबाइल फोन से मॉर्फो डिवाइस को कनेक्ट कर पाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज में।